पंख फैला रखे हैं मोर ने, ये मेरे बिल्कुल बगल में आ गई है। बिल्कुल इसकी चोंच बहुत बड़ी है, देखो भाई इसकी गर्दन देखो और इसकी टांगे देखो, गर्दन इसकी बिल्कुल अलग है और पैर भी इसके छोटे हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक, विजिट विद आरपीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त उदयपुर और उदयपुर के गुलाबबाग में मैं आया हूं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं बर्ड पार्क यानी पंछी अभयारण्य। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुलाबबाग के बर्ड पार्क में और ये है मेन गेट, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब लेते हैं टिकट और एक्सप्लोर करते हैं गुलाबबाग के इस बर्ड पार्क को। टिकट के कुछ चार्जेस वगैरह दे रखे हैं, 25 रुपये है इंडियन के लिए और विदेशी 152। और अंदर से इस तरह से ये दिखाई देता है उदयपुर के गुलाबबाग में बर्ड पार्क। और ये दोस्तों हमको फाइनली मिल गया है वाइट खरगोश, सफ़ेद खरगोश है ये, एक ये रहा वो चला गया, ये दोनों चले गए, दोनों मस्ती कर रहे हैं फिलहाल। इस तरफ हमको पैरट, काफ़ी सारे तोते हैं, दो पंछी ये बैठे यहाँ पे, काफी सारे मोर, पिकॉक पंख फैला रखे हैं मोर ने, ये मेरे बिल्कुल बगल में आ गई है, बिल्कुल इसके पास में देखो। मोर देखने के बाद अब हम दूसरे पिंजरे की तरफ जा रहे हैं, वहां पर भी हमको छोटे बड़े कुछ ना कुछ पंछी वगैरह दिखाई देंगे। और एक बड़ा पंछी हमको नजर आया है इस पिंजरे के अंदर, ये बैठे, एक बिल्कुल मेरे पास में आ गया है। कि चोंच बहुत बड़ी है देखो भाई। अब यहाँ से फिलहाल बढ़ते हैं आगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें इस फल का नाम, काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लटके हुए हैं एक्चुअल में। अब ये फल है कि क्या चीज़ है, थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ, देखो देखो ये तो पूरा गुच्छा लगा हुआ है, यहाँ पे पूरे के पूरे गुच्छे हैं, ये देखो ये पूरा गुच्छा लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। ये रहा एक नीचे गिरा हुआ हमको मिल गया, अब ये हमको मिल गया, ये है क्या चीज ये मुझे खुद को नहीं पता, इसका नाम क्या अगर किसी को पता हो तो बताना, मैं फिलहाल इसको यहीं रख देता हूँ। इस पिंजरे में से काफी सारे पंछियों की आवाज आ रही है, तो देखते हैं यहाँ पे काफी सारे पंछी होंगे। देखो छोटे छोटे पंछी है, तोते हैं, चिड़िया हैं, फिलहाल कुछ खा रहे हैं, मैं जूम करूं, तो दोस्तों फाइनली बर्ड पार्क में घूमते घूमते मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी जगह जहां पर सबसे बड़ा पंछी आपको दिखाई देगा। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वक्त शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। देखो दोस्तों ये है शुतुरमुर्ग, फिलहाल पानी पी रहा है ये, इसको थोड़ा सा जूम करूं मैं, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। इसकी गर्दन देखो और इसकी टांगे देखो, और शरीर पर तो सिर्फ पंख ही पंख है, और कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। और ये तालाब में से फिलहाल पी रहा है पानी, देखो ये शायद भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसको। और मैं इसके पास पहुँच चुका हूँ फिलहाल, और है तो ये बड़ा, देखो कैसे दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, इस जगह ये दो हैं दोस्तों। बैक साइड में तो है शुतुरमुर्ग, दो शुतुरमुर्ग मेरे को दिखाई दिए, और जस्ट इस तरफ है दूसरे पंछी, इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ इनका नाम क्या है। ये इसका नाम है सादा एमू, जो लगभग लगभग ऑस्ट्रिच के तरह दिखाई देता है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है, और गर्दन इसकी बिल्कुल अलग है और पैर भी इसके छोटे हैं। ये देखो ये तीन हमको यहाँ दिखाई दिए हैं, सादा एमू बोलते हैं ये पंछी, ऑस्ट्रेलिया का है, कॉमन एमू, सादा एमू इसका नाम है। तो दोस्तों ऑस्ट्रिच को देखने के बाद और इस तरफ सादा एमू को देखने के बाद, तो दोस्तों फाइनली मैंने गुलाबबाग के बर्ड पार्क को एक्सप्लोर किया है और हमने काफ़ी सारे छोटे बड़े पंछी देखे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, वीडियो को करें लाइक, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट न्यू व्लॉग में।